लेने दो लेने हमें हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रिंकी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 5 बजे से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भागवत कथा चल रही है। तो गाइस, मैं अपनी सासू माँ को भागवत कथा सुनाने के लिए ले गई। वो ना घर में बोर हो रहे थे, अंदर ही अंदर उनको ना वो कह रहे थे कहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा चलिए, यहाँ पे भागवत कथा हो रही है तो आप भी ना भागवत कथा सुन लीजिए, तो थोड़ा आप भी मतलब अच्छा लगेगा आपको। तो उनको लेके मैं चली गई हूँ भागवत कथा सुनाने के लिए। तो यहाँ पे जो ब्यास जी हैं बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे, सासू माँ को भी बहुत पसंद आई, मतलब उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो गाइस, हमने थोड़ी देर ही सुनी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर ही सुनी, और उसके बाद हम निकल गए मार्केट की तरफ। तो गाइस, हम भागवत कथा सुन के उसके बाद हम थोड़ा मार्केट घूमा हमने, और उसके बाद ये शिवम को लग गई थी भूख, तो मैं इनको लेके गई हूँ होटल में। मैंने कहा क्या खाओगे, तो मम्मी चाउमीन खाना है, तो मैंने कहा ठीक है चाउमीन खाओ। फिर हम चाउमीन खाने लग गए। ठीक है, क्या बता, तुम देख रहे सांपों, उनको भी लेना है तो आपके साथ ही। हाँ हाँ, अड्डा वाले लेने, दो लेने हमें हमारे से वो कहते हैं वो है लेडी बाड़ा में भी बोला बाड़ा में रोजा करते हैं ना जा बाबा तो ना पाटा तो सी बा अंते जी ना चल बाड़ा में बस स्वादिष्ट चाउमीन जिसको खा रहे हैं अभी हम। और वहाँ पर देख सकते हैं आप ब्रो खाना है रिंकी रावत ब्रो, रिंकी हम खाने में अभी भी शिमला मिर्च चटनी चटनी मैं दीदी को फोन किया था ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, गरम गरम जलेबियों के साथ। तुम तो यदि तेवर खा लेना, तुम तो घर भेज दिन में ठीक है। अरे एक एक लक्ष्य ना, हम मोमोज पता करना जाना जा। तो गाइस, आज हमने सोचा था कि जलेबी पार्टी करेंगे, तो हम जलेबी लेके घर की तरफ निकलने लग गए हैं। घर में जाके चाय और जलेबी खाएंगे आज, क्योंकि बहुत ठंड है दिल्ली में। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे कर लेती हूँ एंड। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा बाय।